और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो यार मैंने देखा ना कि आप में से बहुत सारे लोगों का नेटवर्क कनेक्शन एरर आ रहा है कल से, तो आप लोग ने एक काम करो, गेम डिलीट कर दो। मजाक कर रहा हूँ यार, सच में मत कर देना, नहीं तो फिर आप लोग डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे। एंड अब ऐसे न्यूज तो पता चली गई होगी कि अपने गेम के अंदर इवो फमास आने वाला है। एंड भैया यही तक सीमित नहीं है, अपना जो सामुराई बंडल है ना वो भी रिटर्न आने वाला है। देख रहे हो, मतलब गेम बैन है बट इनको रेयर आइटम्स रिटर्न लाने स्टाइल है। बट हाँ, बात तो हिप हॉप और रेड क्रिमिनल रिटर्न होने की हुई थी ना, तो आ रहा हूँ। एंड गाइस फाइनली जिसका आप लोग को वेट था, यानी कि गाइस अपना यही 26, ओ भाई मतलब क्या बताऊं मैं, अपना इसी 26 से ना गेम चलना बंद हो जाएगा। अरे टोपा होगा एकदम। अरे नहीं यार, मजाक से हट के सीरियसली बता रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बोला था ना कि लाइक जो भी गेम बैन होता है तो गेम के पास ना वो रहता है लाइक एक हफ्ते तक या फिर 10-20 दिनों तक उनको टाइम मिलता है कि भाई आप हमको प्रूफ लाके दे दो कि आपका जो गेम है वो हमारे सिक्योरिटी को ये नहीं कर पा रहा है, हार्म नहीं कर रहा, तो वो इंडिया में वापस ला देते। बट गाइज हुआ क्या ना कि उन्होंने जो प्रूफ लाया इंडिया के गवर्नमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड भाई खत्म। बट हाँ, ये जो न्यूज है ना लाइक उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये मैंने किसी वीडियो में देखा था, तो मैं भी ये नहीं बोल सकता भाई कन्फर्म रिजेक्ट ही कर दिया होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है। बट हाँ, आप लोग ने फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, बिकॉज कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना और कर लो, ठीक है, अभी अभी कर लो। एंड इंस्टा पे फॉलो कर लेना चाहो तो, अगर यूज करते हो तो जाके फॉलो कर लेना, यूज नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अभी हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो मतलब रेड क्रिमिनल एंड हिप हॉप है। सबसे पहले तो कमेंट में ये बताओ कि आपका फेवरेट बंडल कौन सा है, रेड क्रिमिनल है या फिर हिप हॉप है। मेरा तो भाई रेड क्रिमिनल, आई डोंट नो व्हाई बट पता नहीं यार अच्छा सा लगता है। बट गाइस अगर हम लोग बात करिए कि कब तक रिटर्न आएगा एंड क्या सीन है, बिकॉज रिटर्न तो आएगा भैया, रिटर्न तो आएगा क्योंकि जिस हिसाब से इनका लॉस हुआ है ना भैया मतलब रिटर्न तो आएगा। बट हाँ, आपको मेरे को एक और बात बताना था कि आप एक पल को गेम भूल जाओ कि फ्री फायर कोई गेम भी था, आप एक पल को एज अ इंडियन सोचो, ठीक है। मतलब आप एक बार सोच के देखो कि जस्ट इंडिया के अंदर गेम को बैन किया गया एंड भाई जो सी कंपनी है मतलब जो गैरिना जिसके अंडर काम करती है भाई उसका 50% से ज्यादा लॉस हो गया, मतलब समझ रहे हो भाई, एक इंडिया के कारण उनका मतलब मार्केट 50% अप था यार। सीरियसली सीना चौड़ा करने वाला बात हो जाता है यार ये, फिर मतलब एज ए इंडियन एक बार सोच के देखो कितनी गर्व की बात है ना कि इंडिया के कारण उनका मतलब इतना ज्यादा लॉस हुआ और इतना प्रॉफिट हो रहा था उतने दिनों से, एज ए इंडियन सोचना, एज अ प्लेयर नहीं, ठीक है। एंड मेरे को बार बार चिल्लाते रहते हो ना सुबह भाई पार्टनर प्रोग्राम में चले जाओ, पार्टनर प्रोग्राम में चले जाओ, अगर मैं पार्टनर प्रोग्राम में चले जाता तो ये बात कभी बोल पाता, इसीलिए नहीं जाता मैं। एंड इसी को लेके एक और बात बोल रहा कि भले रेड क्रिमिनल हिप हॉप चाहे कोई भी बंडल अभी के टाइम पे रिटर्न है, भूल के भी उसको नहीं निकालना है, ठीक है। अगर गेम जब तक ऑफिशियली इंडिया से अनबैन नहीं हो जाए तब तक गेम के अंदर टॉप खेलो, मैं ये नहीं बोल रहा गेम मत खेलो भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इंजॉय करना हमारा फर्ज है, बट टॉप अप नहीं करना है। जो है आपके पास जो बंडल है भले एडम का गंजी हो उसी से खेलो, बट खेलो मतलब टॉप अप नहीं करना है यार। एंड ये तो अभी कंफर्म हो गया ना कि इवो फमास आने वाला है, फिर ये आने वाला है, क्या बोलते उसके सामुराई बंडल आने वाला है, फिर टॉप अप करोगे भाई, क्यों करना है, गेम बैन है ना, बोल रहा हूँ ना 26 तारीख के बाद गेम नहीं चलेगा ऐसा न्यूज निकल के आया, फिर क्या फायदा टॉप अप करके, फिर तो खत्म ही ना। अब ये मत सोचना भाई फ्री फायर मैक्स तो, भाई रुक जाओ थोड़ा सा, क्यों हड़बड़ाहट है टॉप अप करने के लिए, अभी तो सिर्फ बाहर के सर्वर में आया एंड सभी यूट्यूबर्स वीडियो डाल रहे हैं ना इवो फमास आ गया, हमने निकाल लिया, मैक्स कर लिया, ये वो, भाई आप भूल के भी मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी गेम बैन है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग मत निकालो, निकालो ना क्या दिक्कत है, बट अब भी बस रुक जाओ, ठीक है, जब तक गेम बैन है ना तब तक के लिए रुक जाओ, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने एक बार और भी एग्जांपल दिया था, टिकटॉक बैन हुआ रील्स से लोग मजा उठा रहे हैं ना, पबजी बैन हुआ BGMI में लोगों का पता है सेम अकाउंट मिल गया, जो अकाउंट वो लोग पबजी में खेलते थे ना सेम अकाउंट मिल गया, सब कुछ सेम है, तो भाई टेंशन क्यों लेते हो, फ्री फायर का भी आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लो ना, नहीं तो पता चले भाई सब खत्म हो जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है ब्रो ऐसा। एंड मैंने सच्ची बता रहा, जब मैंने सुना ना कि 26 तारीख के बाद गेम नहीं चलेगा मैं सीरियसली बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, तभी शायद से आज के वाला वीडियो लेट भी आया, लेट सी, क्योंकि कल तो मैंने वीडियो भी नहीं डाला था यार इसी चक्कर के कारण, मतलब मेरे को तो कुछ देर के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, जिस तरह से मैं संभल गया वैसे आप भी संभल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो ये बोलूंगा टॉप अप मत करो। एंड बाकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, मैं पता है अभी पूरा प्लान बना रखा हूं, मतलब एक ना बहुत ही धमाकेदार वीडियो आएगा, ठीक है, बहुत ही धमाकेदार, जिसमें DJ आलोक और सब कैरेक्टर्स होंगे प्लस बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, बहुत मजा आएगा, बस थोड़ा सा वेट करो, कुछ मस्त वाला प्लान है एंड कुछ तगड़ा होगा, ठीक है, इतना आप समझ, अभी पूरा तो नहीं बताऊंगा बट कुछ मस्त आने वाला है, ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है, बहुत ही बवाल चीज आएगा,
मजा सा आ जाएगा। एंड ना बाकी वैसे एग्जाम भी तो स्टार्ट है ना यार, तो थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं, उसके बाद गेम का देखते रहेंगे। बिकॉज आप लोग देखो पिछले 2 साल से एग्जाम था, ठीक है, तो एग्जाम हमारे कैंसिल हो गया कोरोना के कारण, ठीक है। तो कोरोना ने हमें फ्री फायर का एडिक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब फ्री फायर। एंड अब जब वापस से कोरोना चला गया तो दिक्कत क्या हुआ ना कि हम लोग तो फ्री फायर के एडिक्ट हो चुके थे, तो यहाँ पे फ्री फायर ही हट गया, आप एग्जाम दो बैठ के। ये सही था, जस्ट किडिंग गाइस, मजाक कर रहा था, ये जस्ट एज फन बोला था, सीरियस मत लेना। बट गाइस देखो, अच्छा हाँ एक सेकंड, टॉपिक से मैं भटक गया, बात कर रहा था मैं अपना रेड क्रिमिनल हिप हॉप रिटर्न के बारे में कि आखिर भैया कब तक रिटर्न आएगा एंड रिटर्न आएगा भी कि नहीं। तो देखो सबसे पहली बात फमास की कर लेते हैं कि फमास आपका जस्ट 2-3 दिनों में आ जाएगा, बट कोई भी निकालना मत, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक अपने गेम के अंदर जितने भी वो गन है सब रिटर्न आ जाते हैं, तो वो रिटर्न आ जाएगा, तो जब गेम अनबैन हो जाएगा ना या फिर गेम का कोई रीमेक वर्जन या फिर कुछ आ जाए तब निकाल लेना, अभी तक के लिए साइलेंट बैठो, मतलब विदाउट टॉपअप बैठो, बस गेम को एंजॉय करो। एंड एक और बात को लेकर आपको बहुत ज्यादा डाउट है यार कि फ्री फायर मैक्स रहेगा कि नहीं, क्योंकि अगर फ्री फायर मैक्स चला गया फिर तो भाई क्या ही बोलूं। एंड एक और बात कि फ्री फायर मैक्स तो 2 GB रैम में भी चल जाता है ना शायद, मैंने जहां तक सुना है, तो दिक्कत वाली उतनी भी कोई बात नहीं है। बट हाँ जहां तक बात करें फ्री फायर मैक्स बैन होगा या फिर नहीं, तो यार देखो फ्री फायर मैक्स अगर सेम सर्वर से चलता होगा, यानी कि फ्री फायर मैक्स एंड सेम ही सर्वर से तो चलता है यार, सेम इवेंट आता है, सेम चीज़ सेम साथ खेल सकते हैं, सब कुछ साथ में जब कर ही सकते हैं, क्योंकि देखो जब पबजी मोबाइल एंड पबजी लाइट था तो दोनों साथ में नहीं खेल सकते थे, मतलब पबजी मोबाइल वाले पबजी लाइट के प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकते, बट दोनों का सर्वर सेम था, तो भाई यहाँ तो सब कुछ साथ में होता है तो सर्वर तो सेम होगा ही। तो फिर जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये भी नहीं बचने वाला अगर सर्वर खत्म हुआ तो, बाकी लेट्स सी क्या होता है। मेरे को तो भाई अभी तक, मतलब मैं सही बताऊँ ना, मेरा दिल अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि अपना गेम बैन हो चुका है, पता नहीं क्यों, मतलब ठीक है मेरे सामने सब कुछ हो रहा है कि भाई गेम बैन हो गया, ये हो गया, बट मैं सीरियसली अभी बताऊँ ना तो मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि गेम, मतलब लग ही नहीं रहा है कि गेम बैन भी हुआ है। एंड वैसे आप लोग को एक सॉल्यूशन बता दूँ, जिनका भी गेम स्टार्ट करने पे नेटवर्क कनेक्शन एरर आ रहा है, अगर मतलब मैंने देखा भी जियो के सिम वालों पे भी आ रहा है, मेरा तो वाईफाई एंड अभी तक आया नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट देखो अगर आपका आ रहा है ना तो एक बार गेम का ना क्लियर कैच कर देना, एंड हो सके तो क्लियर डाटा भी कर देना, क्या दिक्कत है, क्या फ़ायदा, सब सामने दिखेंगे सेम कपड़े में तो ठीक है, सेम कपड़े के साथ खेल लेना, बट हाँ एक बार हो सके तो ऐसा करके ट्राई करना। एंड एक और बात कि अगर आपने फ्री फायर को डिलीट कर दिया एंड वापस से डाउनलोड करना चाहते हो एंड कैसे करो समझ नहीं आ रहा, तो देखो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड मत करने चले जाना, कि जो होते हैं ना अप टू डाउन, मतलब जितने भी ऐप्स होते हैं आप जानते होगे, मतलब बाहर के कहीं भी साइट से डाउनलोड मत कर लेना, आप लोग ना चुपचाप फ्री फायर का जो इंस्टा आईडी है ना, जो उनका फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल है, तो उनको ना जाके उनका जो बायो होता है ना इंस्टाग्राम का बायो, नहीं तो आप मेरे को फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, वहाँ से मेरे से पूछ लेना, तो वहाँ पे जो इसका इंस्टा का बायो होता है ना फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल का, वहाँ पे उन लोगों ने लिंक दे रखा है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब याद से कर लेना। तो चलो यार बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।